बात रही भाई दिल्ली की, तो दिल्ली में तो केजरीवाल को कोई बदल नहीं सकता है। क्यों? वैसे भाई काम कर रहा है तो कैसे बदल पाएगा? जो मान लीजिए काम हो रहा है, विकास हो रही है, उसमें तो कोई इधर उधर नहीं। अब कोई चाहेगा उसमें इंटरफेयर, तो भाई जिसका जगह बन गया है उस जगह को तो कोई तोड़ नहीं सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। देखो ऐसा बताने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस यही है जैसा जो सरकार चल रही है उसके अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, किसी पार्टी में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है, कोई विकल्प। देखिए जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर में केजरीवाल का चांस है। 90% तो हमें लग रहा है कि जो केजरीवाल आएगा, क्योंकि जिस जैसा हालात है, जो इनको बंद करके जो है ना, थोड़ा सा इन्होंने अपना छवि ख़राब किया है बीजेपी वाले ने। छवि खराब है? हाँ। कैसे समझते हैं? मैं ये समझता ना कि इलेक्शन के समय मतलब बंद करने का क्या मतलब है, यही चीज़ पहले बंद कर देना था। वोट की राजनीति सारी, हम तो ये कहेंगे कुछ नहीं है, विकास है ही नहीं। स्थानीय तौर पर बिल्कुल विकास, स्थानीय तौर बिल्कुल नहीं जी, 0/0 है। पार्टी सब अच्छी होती है लेकिन काम करने में कोई अच्छा नहीं होता है। जब काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे अच्छी हो जाएगी? अच्छा तो बनने से बनेंगे ना, कुछ अब नहीं किया उन्होंने तो हमारे लिए बेकार है। अच्छा। आप ड्रिंक करते हैं? करते हैं क्या लगता है कि मतलब ये जो हम भी तो नशेड़ी हो रही है, टाइम टेबल है, पीते खाते हैं, सब दुनिया खाती है। अच्छे नेता लोग पीते हैं, कौन नहीं पीता बताइए? नेता लोग भी तो पीते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात बुरी नहीं है। बढ़िया ब्रांड पीते हैं, स्कॉच पीते हैं। अच्छा इतना गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा इसलिए है कि वो जो बोला वो कभी किया नहीं, जो बोला वो किया नहीं। जैसे कि 15 लाख आ रहे हैं काला धन आ रहे हैं, 15 रुपया नहीं आया, 15,000 कट गए और था एक अकाउंट से। ये तो कोई भी किसी को आपकी पावर, आप मुझे बंद कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें वो अच्छा बुराई की कोई वो नहीं है, ठीक है ना। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसकी सत्ता उसी की पावर। मतलब आपको लगता है कि गलत हुआ भाई? देखने तो गलत ही है, गलत बंद कर दिया भाई, क्या करें, बंद कर दिया। एक ही इल्जाम है और कोई इल्जाम ही नहीं है इसके ऊपर, और कुछ नहीं है। अच्छा। आप ड्रिंक करते हैं? करते हैं क्या लगता है कि मतलब ये जो हम भी तो नशेड़ी हो रही है, टाइम टेबल है, पीते खाते हैं, सब दुनिया खाती है। अच्छे नेता लोग पीते हैं, कौन नहीं पीता है बताइए? नेता लोग भी तो पीते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात बुरी नहीं है। वो भैया ब्रांड पीते हैं, स्कॉच पीते हैं। नहीं 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 वो तो कोई बात नहीं, धुर भी नहीं, वो लालची है। जो जिनको पेट भरना है दारू, इसीलिए उनके लिए ठीक है। आवाज आगे जो दारू हमेशा चलती रही, हमेशा बिक रही, उसे कोई दिक्कत नहीं, दारू की प्रॉब्लम नहीं। बियर बनाने तो सब बंद होगी जो बात पहले वाली बियर। अच्छा छोड़ो, ये मेन बात करते, चुनाव आ रहे हैं अभी, क्या लगता है कौन सी पार्टी का परिणाम? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी, तो हम कुछ प्रचार ही। अच्छा वोट देते हो आप? बिल्कुल देते हैं। पक्का देते हो? बिल्कुल। क्या सोच समझ के वोट देते हो? अब समय आएगा तो देखेंगे क्या देंगे, तो अभी सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचा अभी, क्या सोच के वोट देना अभी, तो कुछ नहीं सोचा अभी। भाई देश के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, किस बारे में? हमने क्या सोचना है, देखने नेता लोग सोचते हैं। अच्छा हम लोग थोड़ी चलेगा, देश नेता चलाएंगे, अच्छा करें बुरा करें, हमारे बस में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इस इलाके में जो गंदगी फैली है इसके ऊपर कि क्या माहौल है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल खरबंदा है। यहीं पे रहते हैं सर? हाँ मैं यहीं रहता हूँ, सुदर्शन पार्क में रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इस इलाके में लोगों से स्थानीय समस्याएं जान रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट विकास ढकोसला है, क्या वाकई में कुछ हो रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल खरबंदा है। समझिए यहीं पर रहते हैं? मैं सुदर्शन पार्क रहता हूँ। सुदर्शन पार्क? हाँ जी। क्या माहौल है सुदर्शन पार्क में, विकास डेवलपमेंट की बात की जाए? माहौल तो ये है जी, साफ सफाई तो इससे का कोई नाम ही नहीं है। मच्छर देखो कितने हैं, मतलब गली गली टूटियाँ पड़ी हैं, जहाँ देखो गड्ढे हैं। ये सफाई कोई करने नहीं आता, हमारी निगम पार्षद ने कभी आके झांका भी नहीं यहाँ पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोट की राजनीति सारी, हम तो ये कहेंगे कुछ नहीं है, विकास है ही नहीं। स्थानीय तौर पर बिल्कुल विकास? स्थानीय तौर बिल्कुल नहीं जी, 0/0 है। पार्टी सब अच्छी होती है लेकिन काम करने में कोई अच्छा नहीं होता है। जब काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे अच्छी हो जाएगी? अच्छा तो बनने से बनेंगे ना, कुछ अब नहीं किया उन्होंने तो हमारे लिए बेकार है। हमने उनको मौका दिया,
वो हमारी वोट से बने, लेकिन हमारा वोट भी खराब गया और हमारी गंदगी भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। क्या लगता है अभी चुनाव हैं कुछ ही दिनों में दिल्ली में, जनता कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है? तो जनता दिल्ली की, तो देखो केजरीवाल जी तो बेचारे बंद पड़े हैं, उनको तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये चुनाव तो लोकसभा का है, इसमें तो सफाई वफाई का वो सीन है नहीं, ये कि सरकार अच्छी आ जाए तो उसके हिसाब से। नहीं, जिस तरह से मतलब वो तो बंद पड़े हैं, लेकिन इस बार इन्होंने गठबंधन कर दिया और कांग्रेस के साथ आ गए। नहीं, गठबंधन कहाँ गया, कोई टूट के कांग्रेस से आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई ऐसे मतलब कोई गठबंधन का वो हुआ नहीं ना कोई। सर ओवरऑल समझते हैं, मतलब देश की बात की जाए, मतलब एक आम आदमी के तौर पर, क्योंकि मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास ही है, बेरोजगारी और महंगाई की अगर बात की जाए, क्या समझते हैं, बढ़ी है, कम हुई है, होनी चाहिए थी क्या? देखो महंगाई तो हुई है और काम नहीं है लोगों के पास, आप किसी भी गली में जाएंगे ये बेचारे बैठे हैं, काम नहीं है हमारे पास, बेरोजगारी हो गई, मेरे खुद का काम है यहाँ, मैं खुद परेशान हूँ, तो काम नहीं है भैया, काम 0/0 है, इसमें पार्टी का कोई लेन देन है, छोटा व्यापारी काम नहीं है जी, मर गए। तो क्या लगता है मतलब ऐसा क्यों है? क्यों का कारण क्या है जी? बस ये राजनीति जो गलत तरीके से होती है, जो मतलब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो उसमें पब्लिक मर जाती है। पब्लिक मर रही है, मरना पब्लिक को ही है। अब बेचारा खोमचा लगा के बैठा मेन रोड पे जा रहा है, तो उसका खोमचा छीन के ले जाते हैं, तो क्या करेगा बेचारा? बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो क्या लगता है सर, क्या अपने पास ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन तो कोई भी नहीं है, ऑप्शन तो हमारे मोदी जी हैं, आएंगे तो कुछ करेंगे। क्या कहें, मोदी जी जो 10 साल से है सर, 10 साल से है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन बाहर तो विकास रोड पे हुआ है, विदेशों में हमारा नाम है, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है, हम अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि क्या हाल है दिल्ली का। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर आइए। मोहम्मद नौशाद। हाँ जी, मोहम्मद नौशाद। नौशाद साहब इधर आ जाइए। मोहम्मद नौशाद, आप दिल्ली में रहते हैं जी, क्या समझ रहे हैं दिल्ली में विकास की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए जी, हम मजदूर आदमी हैं, ठीक है जी, हम लोगों के पास जो पहले काम था अब बिल्कुल नहीं है, मतलब पेट पलना भी आप पड़ रहा है इस टाइम पे, ऐसा काम की हालात हो रही है, ठीक है जी, हम लोग किराएदार हैं, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है जी, लेकिन किराया मकान वाले किराया भी बढ़ा देता है, रोजगार है नहीं, कमाई इनकम घटती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये तो हुई महंगाई और उसकी बात, कि भी खर्चे बढ़ रहे हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है ना, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की, दिल्ली में क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा बढ़िया काम करती है? देखिए जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर में केजरीवाल का चांस है, 90% तो हमें लग रहा है कि जो केजरीवाल आएगा, क्योंकि जिस जैसा हालात है, जो उनको बंद करके जो है ना, थोड़ा सा इन्होंने अपना छवि ख़राब किया है बीजेपी वाले ने। छवि खराब है? हाँ, कैसे समझते हैं? मैं ये समझता ना कि इलेक्शन के समय मतलब बंद करने का क्या मतलब है, यही चीज़ पहले बंद कर देना था, और यही समस्या है कि भाई अब इस पे जो है पब्लिक, आप कोई भी पब्लिक को पूछिए कि भाई अगर हम किराएदार हैं तो हमें पता है कि भाई मकान मालिक ने इतने का रेंट पे दे दिया, अगर सरकारी मीटर है तो भाई सरकारी मीटर है, आपको 200 यूनिट फ्री है, पानी का जो है इतना फ्री है, उसके बाद आप ज़्यादा चलाओगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो फ्री है, तो लोग बाग जो है थोड़ी सी राहत केजरीवाल की वजह से जो है मिला हुआ है, बाकी आम आदमी को थोड़ा बहुत, बाकी जो है क्या बताया जाए, बस दाल रोटी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी को राहत है? हाँ, आम आदमी को राहत है। तो आने वाले चुनाव में क्या समझते हैं, कौन किसका पलड़ा भारी जाएगा? देखो जी, अब ये आम आदमी जो है गठबंधन में चला गया है, तो थोड़ा सा और इनको सपोर्ट मिलेगा, कांग्रेस और आम आदमी ये दोनों को ही वोट पड़ेगा ज़्यादातर, आपको लगता है? हाँ, मेरा जो मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और क्या नाम है आपका इधर? नाम तो लोकेश है सर। नाम तो लोकेश है? हाँ जी। और वैसे इधर ही क्या करते हैं आप? सर ऐसे काम करते हैं, प्लम्बर का ही। प्लम्बर का काम करते हैं? हाँ जी। कितना पैसा कमा लेते?
झाड़ी का ऊपर है देखो सर, लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। 500 भी कमा लें, 1000 भी कमा लें, 700 भी कमा लें, कमा लेते हैं और कुछ भी नहीं कमाते किसी किसी दिन। ऐसा भी होता है? हाँ जी ऐसा भी होता है। तो दिल्ली में आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है? बिल्कुल जी है, बिल्कुल सर ऐसा है। हाँ जी है सकता है। अच्छा एक बात समझते हैं, जैसे अब ये एक बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ जी। एक आम आदमी हमेशा हर जगह परेशानी मिलता है कि भाई काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, इसके पीछे की वजह भी तो समझ में आती होगी। देखो जी ऐसा होता है, मजदूर जो इंसान होता है ना, उसे वोट जो देना है वो तो दे के ही रहेगा, पर कमाना उसको खा के ही है। कैसे भी कमा कुमू के ही गुजारा करेगा वो, ना कोई बीजेपी कुछ दिखा सकती, ना आम आदमी कुछ कर सकता जी, कमा के ही खाना है जी, इतना ही कहूँगा बस मैं। अच्छा ये तो ठीक है, चलो तो कमा के खाना है, लेकिन देखिए वोट तो हर किसी को देना ही पड़ता है। वोट तो बिल्कुल देंगे। दिल्ली में क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी लगती है इस लायक कि उसे वोट मिलना चाहिए? ये तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो जनता के ऊपर अंदर का गुप्त रूप है जी। आज ये गुप्त रूप है हमारा, हम किसको देंगे? अच्छा साइलेंट वोटर। हाँ जी। अच्छा हाँ जी साइलेंट वोटर हो? हाँ जी। अच्छा वोट देते हो? हाँ जी। वोट जब देते हो तो किन मुद्दों पर वोट दिया जाता है? जो हमारे देश के लिए बढ़िया चीज कर रहे हो, उन्होंने इतना कुछ किया है, वोट उनका ही बनता है जी। अच्छा वोट उन्हीं का बनता? हाँ जी। और किसी का नहीं? नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य इससे कोई लेना देना? इस चीज़ से कुछ नहीं लेना देना जी, मेन चीज वही है, हमको वोट जो चाहिए तो उन्हीं को देना, बाकी का आप किसी को वोट दोगे दूसरी पार्टी को वो रद्द है आपका वोट। मतलब मैटर नहीं करता कि कितनी बढ़िया स्कूलिंग है, हॉस्पिटल है या फ्री क्या मिल रहा है, ये नहीं चाहिए बस। हॉस्पिटल वाली तो आप बात ही छोड़ो जी। बताओ आप बताओ। मैंने क्या अभी बताना तो है लोगों से? देखो ऐसा बताने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बस यही है जैसा जो सरकार चल रही है उसके अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता किसी पार्टी में, ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। कोई विकल्प नहीं आप कह रहे? नहीं जी। ऐसा ही बोल रहे? बिल्कुल जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। देखिए यहाँ पर लोग हैं और उनसे बात कर रहे हैं हम, जो यहाँ के रहने वाले यहीं पे रहते हो? नहीं नहीं हम लोग बाहर। बाहर कहाँ? इंग्लैंड में? हाँ हाँ मैंने। देखिए भैया यहीं पे रहते हो? हाँ जी इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हिफ्जुल रहमान है जी। मोहम्मद हिफ्जुल रहमान जी। अच्छा दिल्ली में कितने टाइम से रह रहे हो? दिल्ली में 25-26 साल हो गया जी। दिल्ली में क्या विकास दिखाई देता है? विकास जी केजरीवाल का विकास दिखाई देता है, प्रधानमंत्री का कोई विकास नहीं दिखाई देता है, उनका जुमले दिखाई देता है बस, जुमले 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 दिखाई देता है उसके। विकास सिर्फ केजरीवाल के दिखाई देता है, और विकास जो भी किया केजरीवाल किया है या तो कांग्रेस में किया है, बीजेपी किसी ने कोई बीजेपी कोई पार्टी नहीं किया है, उनको वो अपना विकास किए हैं, वो सिर्फ अपना विकास किए हैं। हाँ अडानी अम्बानी इनका विकास किए हैं, गरीब आदमी किसी का विकास नहीं किए हैं। कहते 5 किलो चावल 5 किलो चावल दिया है कभी? 5 किलो चावल पूछिए प्रधानमंत्री से, दिया है कभी 5 किलो चावल? नहीं मिला। कभी जिंदगी में नहीं दिया है। खरीद खरीद के खाता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, ऑटो को भी चलान 50-50 हज़ार रुपये भरा हूँ ऑटो का चलान। दिल्ली में केजरीवाल नहीं होता तो कोई पटरी वाले नहीं होता, कोई रेडी वाले नहीं होता, कोई ऑटो वाला नहीं होता। कब को ये सबको पटरी बोला था गरीबी दूर हटा देंगे, गरीबी दूर हटाएंगे, वो गरीबों को ही हटा दिए, गरीबों को ही हटा दिए। देखो रेडी पटरी वाले बंद कर करके भाग गए सारे, दिखा दो इधर भी भाग गए सारे यहाँ से। क्यों भाग गए भाई? काम है नहीं, कर्जा ले कहाँ से खाएगा? MCD का चलान, नगर निगम का चलान, PWD का चलान, ट्रैफिक नियम का चलान कहाँ से भरेंगे जी? इस कारण छोड़ छोड़ के लोग भाग जा रहे हैं। हमारे पास तो अपनी ऑटो है, जो ऑटो से चला रहे हैं कमा रहे खा रहे। अगर हमारे पास अपनी ऑटो नहीं होती तो मैं भीख मांगता, प्रधानमंत्री का 1 रुपया भीख देने आता। मैं प्रधानमंत्री को भीख दे रखा हूँ 25 रुपया 25 रुपया मैं प्रधानमंत्री को भीख दे रखा हूँ, लेकिन हमें कोई 1 रुपया नहीं दिया। प्रधानमंत्री रात कोच में मैंने 25 रुपया दिया था दान, लेकिन हमें कोई 25 पैसे नहीं दिया, कमा रहे खा रहे जी। अच्छा इतना गुस्सा क्यों है आप? गुस्सा इसलिए है कि वो जो बोला वो कभी किया नहीं, जो बोला वो किया नहीं। जैसे कि? जैसे कि 15 लाख आ रहे काला धन आ रहे, 15 रुपया नहीं आया, 15,000 कट गए और था एक अकाउंट से, 15 लाख तो आए नहीं, 1500 और कट गए अकाउंट से। जो जो बोले ये सारे जुमले बोले। अच्छा जी दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में तो उनका दिल्ली में तो कभी सपना नहीं देखेगा बीजेपी, दिल्ली में सपना भी नहीं देख पाएगा वो। क्यों? दिल्ली की सीट उसको नहीं मिलेगा। क्या रीज़न? रीज़न ये है कि दिल्ली का सीट उसको कभी लाइफ में भी नहीं मिलेगा। दिल्ली के विकास सिर्फ केजरीवाल किया है, और केजरीवाल को वो जेल में भी रह के अगर लड़ेगा तो उसको मिलेगा। अच्छा जेल जाने पर क्या समझते हैं? जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे इनके ऊपर कोई सबूत, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहे, जुमले दिखाई दे रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। ED CBI इनके LC-BLC चमचे बन चुके हैं, ADI CBI को जाके उंगली देता है कि अभी चुनाव आने वाला है, वो हमसे भारी पड़ रहा है उसको जाके दबाओ, वो हमसे भारी पड़ने वाला है उसको दबाओ,
बस यही है जी। यार ये ऑटो चलाते हो, इतनी राजनीति कैसे समझ लेते हो? इतनी 25 साल से यही कर रहा हूँ जी। क्या कर रहा हूँ राजनीति से? नहीं ऑटो चला रहा हूँ, ऑटो चला चला के राजनीति सीख रहा हूँ, नेता मंत्री से सीखता हूँ जी मैं। अच्छा, कोई नेता मंत्री ऐसा नहीं जो ऑटो में बैठ के ऑटो वाले का पूरा किराया दे दिया हो। अच्छा जी, ऐसा बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। हाँ, इनके अपने घर का विकास हो रहा है, इनके अपने अडानी अंबानी जितने भी है इनके विकास हो रहा है, गरीब आदमी मारा जा रहा है, बस यही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए लोगों से बात कर रहे हैं दिल्ली में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? इधर आ जाओ जी। मनोहर कुमार। मनोहर यहीं पे रहते हैं दिल्ली में जी। क्या लगता है यार, क्या चल रहा है डेवलपमेंट विकास की बात की जाए तो? हम विकास की प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो जो अपना कर रहा है वहाँ पे, बात रही भाई दिल्ली की तो दिल्ली में तो केजरीवाल को कोई बदल नहीं सकता है। क्यों? वैसे भाई काम कर रहा है, काम कर रहा है तो कैसे बदल पाएगा? जो मान लीजिए काम हो रहा है, विकास हो रही है, उसमें तो कोई इधर उधर नहीं। अब कोई चाहेगा उसमें इंटरफेयर तो भाई जिसका जगह बन गया है उस जगह को तो कोई तोड़ नहीं सकता है। सबसे पहली बात तो ये है जो भी हो। नहीं जैसे एक तरफ तो इलेक्शन है जी, दूसरी तरफ अब उनको करप्शन के चार्ज भी लगे हैं जी, और वो जेल में भी है मुख्यमंत्री। वो तो अभी इलेक्शन है इसलिए वो तो बहुत जल्दी छूट जाएंगे, उसमें कोई इधर उधर नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं जल्दी छूट जाएंगे? छूट जाएंगे, वो तो बहुतों को अभी मतलब दरार पे चढ़ा लिए हैं। देख लीजिए बिहार में भी तेजस्वी यादव को चढ़ाना चाहा लेकिन वहाँ पे जगह नहीं बैठ पाया और यहाँ पे आकर के अपना जगह बैठा लिया। आप बिहार से? जी बिल्कुल बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार का जो समझते हैं हम जी, जनता उन्हें वोट देती है और फिर वो जाके किसी और पार्टी से मिल जाते हैं बार बार। देखिए जो दे रहा है उसके बारे में तो नहीं कहेंगे लेकिन जो दल बदलू है, आप कुछ अच्छे इंसान को चुनो जो आपको बिहार में विकास करे उसके हिसाब से। तो जो बदल दल बदल 5 साल में 5 बार बदले वो बिहार का क्या विकास करेगा बताइए? विकास करेगा? नहीं करेगा। अब बात रही मान लीजिए जो मतलब मुंह अपना खोला कि भाई हम जीतते ही अपना ये काम करेंगे वो काम करेंगे लेकिन जीतने के बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तेजस्वी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो अपना वचन रखे कि भाई इतना हम काम करेंगे तो वो काम किया अपना, जितना वचन दिया भाई ड्यूटी अपना जो युवा को दिया आपने, बाकी का बात। दिल्ली की बात पर वापस आते हैं, दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य और ये फ्री बस की बात की जाती है, क्या समझते हैं? ठीक है ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें ये झूठ है या मतलब दावे है या? नहीं नहीं भाई देखिए हकीकत है इसमें, आप झूठ नहीं कह सकते इसको, आप खुद भी जाते होंगे इससे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, हमसे आप पूछ करके कोई इसमें है कि नहीं है। हम तो आपसे ही पूछेंगे ना। जी जी इसमें पूरा क्लियर है, सब कुछ सही है। अब कुछ सही है जी, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हम राजधानी दिल्ली में लोगों से बात करके जान रहे हैं कि वाकई में कुछ बातों में तर्क है या वैसे ही हवाई बातें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो इधर घबराओ नहीं। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार कोई नशा वशा करते हो? नशा गुटखा खाते। गुटखा खाते हो? कोई बात नहीं, शराब तो नहीं पीते। दिल्ली में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बात करो भैया। अरे सुनो तो सही, हमें कुछ करो ना, करो तभी मैंने पूछा तो नशा वशा करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? देखिए यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल राजधानी दिल्ली के बसई दारापुर में हम खड़े हैं और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है माहौल दिल्ली का, दिल्ली में एक आम आदमी किस तरह से डेवलपमेंट को समझता है, दिल्ली में एक आम आदमी किस तरह से डेवलपमेंट को समझता है और नहीं भी समझता है, ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर लोगों से जगह जगह जाकर हम चर्चा करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, एक आम आदमी से डायरेक्टली बात करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कि क्या समझती है जनता और जनता का क्या मूड है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरे साथ हैं सुधांशु गौतम कैमरे पर, मैं हूँ गुलशन वर्मा, देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।